हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से फ्रेम की कैसे एनालिसिस करते हैं, किसी भी फ्रेम से फ्रेम में कैसे मोमेंट निकालते हैं, फाइनल मोमेंट, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्लोप डिफ्लेक्शन में जैसे सिंपल बीम में होता था, वैसे फ्रेम में होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना होगा, उसके बाद फिर हम लोग फाइनल मोमेंट निकालेंगे। ये दोनों काम हम लोग बीम वाले केस में भी करते थे, यही काम फ्रेम में भी करेंगे। कुछ खास नहीं है इसमें। जैसे देखिए, ए और बी इस मेंबर का मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, क्या होता था, एम एफ ए बी इज इक्वल टू क्या बताया था, जब यू टी एल लगा रहेगा, ठीक है ना, तो यू टी एल के लिए क्या होता था, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू 64.8 इंटू एल क्या है, 8 का स्क्वायर, ये पूरी लेंथ एल है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी है 2i है, ठीक। तो ये 8 का स्क्वायर बाई 12, अब पहला माइनस होता था, अगला प्लस होता है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 345.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। तो ये आ गया, ये क्या आ गया, एम एफ ए बी, तो एम एफ बी ए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 345.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया मोमेंट, फिक्स्ड मोमेंट ए और बी, ठीक है ना। पॉइंट ए, ए बी का इस मेंबर का, ए बी मेंबर का हमारे पास मोमेंट आ गया फिक्स्ड मोमेंट, ए एम ए बी और बी ए, ठीक है ना। अब देखेंगे बी सी, ये मान लीजिए ये बी सी, बी सी मेंबर का हम लोग को फिक्स्ड मोमेंट निकालना है, बी सी मेंबर का फिक्स्ड मोमेंट निकालना है, तो बी सी मेंबर में क्या होगा, कोई लोड तो लगा नहीं है, तो इसलिए फिक्स्ड मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम एफ बी सी, ये बी सी और सी बी जीरो हो जाएगा, एम एफ बी सी, एम एफ बी सी, एम एफ सी बी वुड बी इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल फाइंड फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट क्या होता है, फार्मूला आपको पता ही होगा, एम एफ एम ए बी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, एम एफ ए बी प्लस 2EI बाई L, ठीक है ना। अब एम एफ ए बी तो 2 थीटा है, ए पहले है तो 2 थीटा है प्लस थीटा बी, डिफ्लेक्शन है नहीं, कोई दिया नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा, ठीक। अब एम एफ ए बी देखिए, एम एफ ए बी मैंने निकाला यहाँ पे, एम एफ ए बी माइनस 345.6, ये हो जाएगा माइनस 345.6, ठीक, प्लस 2 ई आई की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्सी इसका दिया हुआ है 2i, तो यहाँ पे 2i पुट कर दीजिए, बाई ये लेंथ क्या है, पूरी ये लेंथ इस मेंबर की 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक। अब 2 थीटा है, देखिए थीटा ए ये फिक्स है, तो फिक्स पे स्लोप क्या होगा, थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो इट वुड बी इक्वल टू जीरो प्लस थीटा बी, थीटा बी पे नहीं होगा तो थीटा पी एस इट इस हमने लिख दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो माइनस 345.6 प्लस ये 4 कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इससे हो जाएगा ई आई बाई 2 थीटा बी, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। देखिए एम बी ए निकाल लीजिए, एम बी ए वैसे ही हो जाएगा, बस खाली यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 345.6 प्लस, अब देखिए बी ए तो यहाँ पे 2 थीटा बी प्लस थीटा ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ई 2 आई बाई 8, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए इट वुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ फिक्स, ओके। सो 345.6 प्लस
ये 2 2 4 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो ई आई बाई थीटा भी सेकेंड इक्वेशन। ये हमें दो इक्वेशन मिल गए, ठीक है ना। अब देखिए, अब निकालते हैं एम एफ, सॉरी एम बी सी। बी सी मतलब इस मेंबर में, बी और सी, बी सी मेंबर में हमें क्या निकालना है, फाइनल मोमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम एफ बी सी प्लस 2EI बाई एल, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। सो एम एफ बी सी इट वुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो एम एफ बी सी इज इक्वल टू 0 प्लस 2E आई आई हेयर आई इज इक्वल टू आई, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो आई ही रख देंगे एज इट इज। तो आई एंड एल क्या है, एल 8 है होल लेंथ, तो 8 हो गया। तो 2 थीटा भी थीटा सी, देखिए थीटा सी फिक्स है, सो इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ हेयर वी विल थीटा सी इज इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, तो 2 थीटा भी ये हो जाएगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4, तो ई आई थीटा वी बाई 2 हो गया। ऐसे ही एम एफ सी भी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए ये तो 0 हो जाएगा, एम एफ बी सी जो लिखेंगे, ठीक है, लिख दे रहे हैं एम एफ सी बी प्लस 2EI बाई एल 2 थीटा सी प्लस थीटा बी। सो ये इक्वल टू 0 हो गया, ये बचेगा सिर्फ, ये भी 0 है, फिक्स एंड मोमेंट अपने निकाला है, ये दोनों का लोड नहीं है तो इसलिए 0 हो गया। सो इट विल बिकम 2EI बाई एल क्या है, 8 है, ठीक है ना, प्लस थीटा बी। सो ई आई थीटा बी इक्वल टू ये क्या हो गया, 4 4। सो ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए आप, इक्वेशन 4 मान लीजिए। हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फाइनल मोमेंट निकाल सकते हैं। हाउ, कैसे निकालेंगे, तो देखिए देखिए किसी भी जॉइंट पे, ठीक है ना, एम बी ए, एम बी ए और एम बी सी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। जॉइंट पे मोमेंट हमेशा 0 होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एम बी ए, एम बी ए प्लस एम बी सी, एम बी सी वुड बी इक्वल टू 0। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई आई थीटा बी, एंड देन वैल्यू ऑफ ई आई थीटा बी पुट इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट फाइनल मोमेंट। सो एम बी ए, एम बी ए वाट इज एम बी ए, एम बी ए हेयर, सो राइट इट एम बी ए, एम बी ए, यस यस एम बी ए प्लस 3 4 5.6 प्लस ई आई थीटा बी प्लस ओके एम बी ए प्लस एम बी सी। सो वाट इज एम बी सी, एम बी सी हेयर, एम बी सी इज इक्वल टू ई आई थीटा बी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने 0 पे इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि जॉइंट पे मोमेंट 0 होता है, ठीक है ना। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 3, तो क्या हो जाएगा 3EI बाई थीटा बी बाई 2 हो गया। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 4 5.6, ठीक। तो ई आई थीटा बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 2 30.4। सो हमारे पास ई आई थीटा बी की वैल्यू आ गई। सो हमें फाइनल मोमेंट में देखिए, अब एम ए बी, ये एम ए बी था ना, एम ए बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ई आई थीटा बी के मैंने वैल्यू निकाल दी है, यहाँ पे रखेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम ए बी की वैल्यू आ जाएगी, हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगा वैल्यू रखने पे। तो ये आ जाएगा 57.6 किलो न्यूटन मीटर। और ऐसे ही एम बी ए में रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इट विल
115.2 किलोन्यूटन मीटर, MBA हो जाएगा। और MBC क्या हो जाएगा, MBC हो जाएगा -115.2 किलोन्यूटन मीटर, तो MCB क्या हो जाएगा, 460.8 न्यूटन मीटर। अब देखिए दोस्तों कि मैंने क्या कहा था, ये जॉइंट पर मोमेंट जीरो होगा, एम बी ए और एम बी सी इक्वल टू जीरो होगा। तो देखिए कैसे जीरो होगा, हमने क्या निकाला, एम बी ए और एम बी सी इसको आप ऐड कर दिए, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन, देखिए इस इक्वेशन पे रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा ये जो आंसर आया है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सही है। तो ये हो गया फ्रेम की एनालिसिस, हम कैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करते हैं, सिंपल है, जैसे हम लोग बीम के केस में करते थे वैसे हम फ्रेम के केस में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।